गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक नया चैप्टर 41 का पहला वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत इरादा यानी इंटेंशन व्यक्ति का क्या है, संकल्प डिटर्मिनेशन क्या है यानी वह क्या करने का इरादा रखता है, वह किस बात का संकल्प लिया, क्या डिटर्मिनेशन है, क्या बनने जा रहा है फ्यूचर के अंतर्गत, वह वर्तमान में अपनी बात कर रहा है कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं, इंजीनियर बनने जा रहा हूं, क्या एक संकल्प है, वह कहीं जावा नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कि वह गाड़ी खरीदने जा रहा है, गाड़ी खरीदने जा रहा तो एक संकल्प रहे, कोई आवश्यक थोड़ी है कि वह जा रहा है गोरखपुर गाड़ी खरीदने। तो ऐसे वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं जिनसे संकल्प या इरादा का भाव झलक देता है। इस प्रकार के वाक्यों से कार्य करने के इरादे इंटेंशन, यानी ऐसे वाक्यों से कार्य करने का इरादा क्या है या संकल्प डिटर्मिनेशन का भाव व्यक्त होता है। ऐसे वाक्यों से कार्य करने के इरादे या संकल्प डिटर्मिनेशन का भाव व्यक्त होता है। जैसे मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं जा ही रहा हूं, इस जाने का मतलब संकल्प लिए हुए मेरा मैंने इरादा किया है। तो आई एम गोइंग टू बाई ए कार, सब्जेक्ट लगाया और उसके अनुसार कंटिन्यूअस टेंस में जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग और उसके बाद इन्फिनिटिव बाय और उसके बाद अदर वर्ड्स, आई एम गोइंग टू बाई ए कार। मैं पुस्तक लेने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू टेक ए बुक। वो बल्ला खरीदने जा रहा है, ही इज गोइंग टू बाई ए बैट। लड़के कलम खरीदने जा रहे हैं, दी बॉयज आर गोइंग टू बाई पेंस। नंबर दो, वे शादी करने जा रहे हैं। यह भी इरादा देख रहे हैं, इससे झलक रहा, संकल्प झलक रहा है। दे आर गोइंग टू गेट मैरिड, they are going to get married। तीसरा, सरकार अस्पताल खोलने जा रही है, the government are going to start hospital। यहां इज भी लगाया जा सकता है। अगर सरकार को आपने थोक भाव में सबको मिला के एक चीज मान लिया, एक भाव मान लिया, तब इज लगा सकते हैं, अन्यथा गवर्नमेंट बहुवचन। तो the government are going to start हॉस्पिटल या दी गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट हॉस्पिटल, या इसके भाव पर निर्भर है कि आप उसका प्रयोग सिंगुलर नंबर में करते हैं या प्लूरल नंबर में करते हैं। वह अंग्रेजी सीखने जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश। ही हो गया सब्जेक्ट, ही के साथ आपने सहायक क्रिया इज लगाया, मुख्य क्रिया में आई एन जी जोड़ा, ही इज गोइंग। अब उसका इरादा क्या है, जाने का उद्देश्य क्या है, सीधी सी बात, उद्देश्य इन्फिनिटिव से झलकता है। उसका इरादा या संकल्प या इन्फिनिटिव बताता है टू लर्न, जा रहा है तो किस लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो उसका इरादा है टू लर्न। और उसके बाद उस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट यहां आया हुआ है इंग्लिश यानी अदर वर्ड्स, ठीक। तो ही इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखने जा रहा है। सब्जेक्ट लगाइए, इज आर एम एस लगाइए, फिर गोइंग और उसके बाद इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके आगे अन्य शब्द है तो उनकी अंग्रेजी लिखिए। नंबर पांच, वह अपनी गाड़ी बेचने जा रहा है। ही इज गोइंग टू सेल। इन्फिनेटिव हो गया, इरादा क्या है उसका, बेचना, क्या बेचना, हिज कार, अपनी कार। यह सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया, गोइंग हो गया मुख्य क्रिया, और टू सेल इस बात का उत्तर हो गया कि किस लिए जा रहा है, क्या कारण है जाने का, तो टू सेल हिज कार। तो अब कहीं जा नहीं रहा है, वो संकल्प किस बात का कर रहा है, तो गाड़ी बेचने का इरादा कर रहा है। वह एक स्कूल खोलने जा रही है, वह एक स्कूल खोलने
जा रही है, मतलब उसने इरादा कर लिया है, संकल्प कर लिया है एक विद्यालय खोलने का, मतलब एक स्कूल खोलने का उसने संकल्प कर लिया है। तो सी हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया सहायक क्रिया, गोइंग सी इज गोइंग किस लिए जा रही है, टू स्टार्ट, सी इज गोइंग टू स्टार्ट ए स्कूल। स्टार्ट से टू स्टार्ट जो इन्फिनिटिव आया हुआ है उससे झलक मिलती है कि उसका इरादा क्या है, किस बात का संकल्प उसने लिया है। तो टू स्टार्ट ए स्कूल मतलब उसका इरादा है विद्यालय खोलने का। ऐसे वाक्यों से इरादे या संकल्प का बोध होता है, यानी ये जो ऊपर वाक्य लिखे गए हैं इनसे इरादे यानी इंटेंशन और संकल्प डिटरमिनेशन का भाव व्यक्त होता है, अर्थात यह बोध होता है कि कार्य करने का दृढ़ संकल्प किया गया है। यानी इन वाक्यों से यह पता चलता है कि इरादा क्या है व्यक्ति का या उसका संकल्प क्या है। दूसरी तरह से यह समझिए कि इनसे यह बोध होता है कि कार्य करने का दृढ़ संकल्प लिया गया है। व्यक्ति जो करता है वो अपना इंटेंशन जाहिर करता है, संकल्प जाहिर करता है कि मैं क्या करने वाला हूं। रूल्स वन कैसे रहा है, रूल्स नंबर एक सब्जेक्ट लगाइए, जैसे ही सी इट राम श्याम वन करता लगाइए, उसके बाद इज आर एम प्रेजेंट टेंस में, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ही सी इट राम श्याम वन एक व्यक्ति है तो आप इज लगाइए, और अगर यू है वी है दे है अन्य बहुवचन प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हैं तो आर लगाइए, आई के साथ एम लगता है। यानी सिमिलर नंबर थर्ड पर्सन ही सी एट राम श्याम मोहन एक आदमी होगा तो आप इज लगाएंगे, यू वी दे अन्य बहुवचन जो आएंगे यानी लड़के लड़कियां इस तरह से एक से अधिक जो होगा आर लगाइए, आई के साथ आप जानते हैं एम लगता। अब मुख्य क्रिया में आई एन जी जोड़ कर रखेंगे, मुख्य क्रिया में आई एन जी जोड़ कर रखेंगे इसलिए कि यह देख रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यह वाक्य लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत मुख्य क्रिया में आई एन जी जोड़ कर रखा जाता है। उसके बाद इन्फिनेटिव हुआ, इन्फिनेटिव जिससे इरादे की झलक होती है, संकल्प की झलक होती है, उसको करना क्या है, जैसे वह गाड़ी खरीदने जा रहा है तो वो ही इज गोइंग जा रहा है, किस लिए जा रहा है क्यों जा रहा है तो गाड़ी खरीदने, यानी खरीदना हो गया, इन्फिनिटिव से इरादा झलक रहा और इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट उसके आगे दिया रहता है अदर वर्ड्स में आ जाता है। नोट नंबर एक, ऐसे वाक्यों की जा रहा है जा रहे हैं जा रही का कहीं जाना नहीं होता, यानी हिंदी में जो वाक्य लिखा हुआ है कि मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूं तो इसका मतलब यह थोड़ी कि मैं यहां से कहीं रवाना हो रहा हूं और जा रहा हूं, ऐसा नहीं है। ऐसे वाक्यों से जा यानी गोइंग, यानी ये गोइंग है का इसका अर्थ यह कहीं जाना वाना नहीं होता, कर्ता कहीं नहीं जाता, यानी सब्जेक्ट जिस जो आप बनाते हैं वो कहीं जाता नहीं है, वह केवल इरादा और संकल्प व्यक्त करता है कि उसे क्या करने का इरादा है, वह क्या करने का संकल्प लिए हुए है यह व्यक्त करता है, न कि जा रहा का मतलब गोइंग का मतलब कहीं जाना इत्यादि नहीं होता है। नोट नंबर दो, ऐसे वाक्यों में कर्ता यानी ऐसे वाक्यों में कर्ता धन होने या बनने या संज्ञा प्लस जा रहा है, यानी ऐसे भी वाक्य हो सकते हैं कि जिसमें आया हो कर्ता जैसे मोहन, उसके बाद होने बनने संज्ञा यानी मोहन डॉक्टर बनने जा रहा है जा रही है जा रहे हैं, यानी सिंगुलर नंबर में हो सकता है, रहा हूं भी हो सकता है। तो कह रहा है कि ऐसे भी वाक्य आते हैं, ऐसे वाक्य में इसमें कर्ता हो होने बनने हो संज्ञा हो और जा रहा है जा रही है जा रहा हूं इत्यादि का प्रयोग हो सकता है। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन जब आप बनाएंगे
इन्फिनिटिव के जगह पर जो अन्य क्रियाएं आप जा रहे हैं, जैसे टू बाई खरीदने, टू सेल इत्यादि, वहां भी लगा दिया जाता है, टू भी हो जाता है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद एम इज आर में से कोई एक, पहले से आपको बताया गया है कि आई के साथ एम रखिए, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, ही सी इट, राम श्याम मोहन, यानी एक व्यक्ति है तो उसके साथ आप इज लगाइए, और एक से अगर अधिक है जैसे यू वी दे वाय गर्ल्स इत्यादि, उसके साथ आर लगाइए, ठीक। और उसके बाद मुख्य क्रिया में गो में आई एन जी जोड़ लीजिए, जा रहा है कि गोइंग, और तब बनने की अंग्रेजी होती है टू बी, या टू बी कम भी लगा सकते हैं कहीं कहीं, टू बी का मतलब होना, बनना बी कम, और उसके आगे नाउन आप लिखेंगे क्या बनने जा रहा है, डॉक्टर बने टू बी ए डॉक्टर, इंजीनियर बने टू बी ए एन इंजीनियर, ऐसे कर। जैसे पहला शैलेंद्र डॉक्टर होने जा रहा है, या शैलेंद्र डॉक्टर बनने जा रहा है, शैलेंद्र डॉक्टर बनने जा रहा है, शैलेंद्र सिंगुलर नंबर है, इज लगा रहा है, गोइंग लगाया, शैलेंद्र इज गोइंग टू बी ए डॉक्टर, शैलेंद्र इज गोइंग टू बी ए डॉक्टर। दूसरा मोहन मंत्री होने जा रहा है, या मंत्री बनने जा रहा है, मोहन मंत्री बनने जा रहा है या होने जा रहा है, तो मोहन इज गोइंग, मोहन सिंगुलर नंबर है इसलिए आपने इज गोइंग लगाया, मोहन इज गोइंग, मोहन जा रहा है टू बी ए मिनिस्टर, मंत्री बनने जा रहा है। तीसरा लड़के खिलाड़ी बनने जा रहे हैं, तो द बॉयज आर गोइंग टू बी प्लेयर्स, द बॉयज आर गोइंग, लड़के जा रहे हैं टू बी प्लेयर्स, बॉयज बहुवचन है इसलिए आर गोइंग लगाया। मैं वैज्ञानिक बनने जा रहा हूं, आई के साथ आई एम गोइंग टू बी ए साइंटिस्ट, आई एम गोइंग टू बी ए साइंटिस्ट। तो इस तरह से आपने उन वाक्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की जिसके द्वारा इरादा या संकल्प झलकता है, उनका अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में कैसे करते हैं, शेष इसके अगले वाले वीडियोस के अंतर्गत।